एक्चुअली एक आम आदमी या एक आम औरत की लड़ाई एक बहुत ही जाइगेंटिक मेगा कॉरपोरेशन के साथ उनकी लड़ाई है, तो ये उस बारे में है। मेरा बच्चा अंकुर अरोड़ा इस फिल्म में मर जाता है और उसके बाद क्या होता है, ये कहानी उसकी है। तो किरदार तो जाहिर है कि मेगा पावरफुल है, पर इसको करने से पहले मैं डर बहुत गई थी, क्योंकि ये कोई ऐसा एरिया नहीं है जो कोई इंसान विलिंगली जाना चाहेगा कि मेरे बच्चे की मौत होगी। चलिए मैं ऐसा सोच लेती हूँ, मैं ऐसा इमेजिन कर लेती हूँ। और इस फिल्म में झूठ बोलने का चांस बहुत कम था, क्योंकि अगर आप बोल रहे मेरे को सरदर्द है, तो किसी शॉट में आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि थोड़ा कम हो गया है पर फिर वापस अभी फिर ज़्यादा बढ़ गया है। पर जब आपका बच्चा मर जाता है तो आप कभी ये नहीं बोल सकते कि एक्चुअली नहीं मरा है। तो दैट ट्रूथ हैड टू बी मेंटेन, सो वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। कितना मतलब आपके लिए कितना टफ था? बहुत टफ था, क्योंकि इसकी तैयारी करने का कोई तरीका नहीं है। आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे कि आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है? पहले तो मैंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं करनी है ये फिल्म, पर सोहेल जो कि डायरेक्टर हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कर ले, तो मेरी बात मान कर ले, एंड आई एम ग्लैड आई डिड इट। जैसे कि आपने देखा अंकुर अरोड़ा मर्डर केस जो है एक ऑनसेंबल कास्ट है, और हम सबका एक काफ़ी हमारे बगैर लाइक वी ऑल आर नीडेड इन द फिल्म टू कम्प्लीट द एंटायर पिक्चर, तो एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। और वेल दिस गर्ल शी इज़ अ मेडिकल इंटर्न, और इट्स हर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हर करियर एंड वॉट इज एंड हर फादर्स ड्रीम्स ऑफ मेकिंग हर अ बिग डॉक्टर। तो बस इसी वे में सपोर्ट कर रही हूँ, मेरी दुविधा और मेरी दुख भरी कहानी है। अंकुर अरोड़ा मर्डर केस हमारी एक मेडिकल थ्रिलर है, वो देख रही है मेडिकल प्रोफेशन में पे एक नज़रिया डाल रही है केस में। जो क्या होता है, हमको ऑफन हमें पता नहीं चलता कि होता क्या है पीछे, हमको तो आकर टर्म्स वर्म्स बोल देते हैं और वो ओटी में, लेकिन हुआ क्या है कभी पता नहीं होता, तो कुछ भी हो सकता है। एंड दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज़ लुकिंग एट, के यू नो डू वी ऑलवेज नो द ट्रूथ, इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, और डेथ बाय नेग्लिजेंस के सब्जेक्ट से डील कर रही है। दिस फिल्म अंकुर अरोड़ा मर्डर केस, इट डील्स विद द मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल माल प्रैक्टिस, एंड इट्स अ वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन द सोसाइटी। इन एवरी डेज लाइफ यू सी समवन और द अदर हैव फेस्ड दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। When I was offered this film, I really thought that it is a film which is about social awareness, and I should do this film because I was offered the character of a lawyer which I was playing for the first time, and I played Kajuri Sen. It's a very interesting and a very nice and emotional character, and I loved playing it because I was playing a lawyer for the first time.